हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारे पास ई रिक्शा बैटरी चार्जर का एक सर्किट है। तो यहाँ पे ई रिक्शा का बैटरी चार्जर अगर खराब हो जाता है तो आप उसको बड़ी आसानी से रिपेयर कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। यहाँ पे इसमें लगे हुए कंपोनेंट्स की डिटेल विद डायग्राम मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे सेक्शन वाइज अगर हम समझे तो ये हमारा पहला सेक्शन है जो कि प्रोटेक्शन का सेक्शन है एसी इनपुट वाला। इसके बाद आप देख पाएंगे ये सेक्शन जो है डीसी रेक्टिफिकेशन का है। यहाँ पे ये एक सेक्शन है जो कि स्विचिंग सेक्शन है। यहाँ पे ये ड्राइव सेक्शन है। यहाँ पे आप देख पाएंगे 10 और 12 वोल्ट वाला सेक्शन है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसका एमसीयू है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में सभी सेक्शन और उनमें लगे हुए कंपोनेंट्स के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आपको काफी कुछ मदद मिलेगी ई रिक्शा के बैटरी चार्जर को रिपेयर करने में। तो चलिए हम सर्किट डायग्राम सेक्शन वाइज समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन जो है हमारा प्रोटेक्शन वाला सेक्शन जो कि एसी इनपुट में है, वहां पे लगे हुए कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं, वो आपस में कैसे अटैच है और कंपोनेंट्स की क्या वैल्यू है। यहाँ पे मैं सबसे पहले न्यूट्रल का पॉइंट जो है वो मैंने बना लिया। इस तरीके से न्यूट्रल हमारा आगे बढ़ता है। अब हम लाइन का जो पॉइंट है उसको बनाएंगे। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये फेस या लाइन कह सकते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ती है और यहां पे एक फ्यूज लगा होता है। फ्यूज की वैल्यू जो है वो 10 या 12 एम्पीयर 250 वोल्ट होती है। तो इस तरीके से लाइन का पॉइंट हम आगे ले गए, लेकिन यहां पे अब हमें प्रोटेक्शन देना है। तो प्रोटेक्शन देने के लिए हम एक एमओवी जो है यहां पे जोड़ेंगे। तो यहां पे मैंने एक एमओवी जोड़ा है, ये 20D471 या 20D511K का आप इसमें लगा सकते हैं। यहां पे इस तरीके से एमओवी हमने जोड़ लिया, लेकिन मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा कि हमारे ई रिक्शा चार्जर के सर्किट में एक अर्थिंग का भी वायर होता है। यहां पे आप देख पाएंगे अर्थिंग का वायर भी है इसमें, न्यूट्रल और लाइन के अलावा अर्थिंग। तो यहां पे अर्थिंग में आप देख पाएंगे दो पीएफ सेफ्टी कैपेसिटर जो है इसमें लगे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये कहां पे लगे हैं। ये हमारे फ्यूज के आगे आप देख पाएंगे दो इस तरह से सेफ्टी कैपेसिटर 222 mA यहां पे लगे होते हैं आपस में सीरीज में, और सेंटर का जो पॉइंट है वहां से हम अर्थिंग का वायर जो है इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से अर्थिंग का कनेक्शन भी हो गया। अब हम इसमें एक इंटरफेरेंस फिल्टर जो है वो लगाएंगे। इंटरफेरेंस फिल्टर यानी एक पीएफ 310 वोल्ट 105 K इसकी वैल्यू होगी, यानी 1 माइक्रोफेरेड। इसके अलावा इसको डिस्चार्ज करने के लिए यहां पे एक डिस्चार्ज रेजिस्टेंस जो है यहां पे लगी होती है, ये 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस होती है। ये दो रेजिस्टेंस है आपस में सीरीज में भी जुड़ी हो सकती है। अब इसके बाद एक कॉइल जो कि कॉमन मोड कॉइल होती है, इंटरफेरेंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, यहां पे एक जुड़ी होती है। यहां पे आप देख पाएंगे कॉमन मोड कॉइल में डबल बाइंडिंग होती है। तो एक बाइंडिंग जो है न्यूट्रल को आगे बढ़ाती है, दूसरी बाइंडिंग जो है वो फेस यानी लाइन को आगे बढ़ाती है। तो इस तरीके से हमने कॉमन मोड कॉइल जो है उसे बना लिया है। लाइन और न्यूट्रल हमारी आगे बढ़ती है। इसके बाद इसमें फिर से एक इंटरफेरेंस फिल्टर यानी पीएफ लगा होता है। यहां पे पीएफ की वैल्यू पहले की तरह 310 वोल्ट और 105 K यानी 1 माइक्रोफेरेड होती है। इसके बाद यहां पे आगे आपको दो एनटीसी एक लाइन में और एक न्यूट्रल में इस तरीके से लगे हुए दिखेंगे। ये एनटीसी एससीके 256R8 सीरीज के होते हैं। तो यहां पे ये जो एनटीसी है ये इनरस करंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पे लगाए जाते हैं। तो यहां पे हमारा पहला सेक्शन जो कि एसी प्रोटेक्शन वाला सेक्शन था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम डीसी रेक्टिफिकेशन वाला सेक्शन जो है उसे ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे इसको ड्रॉ करने के लिए अब हमें लाइन और न्यूट्रल के पॉइंट्स जो है उन्हें आगे बढ़ाना होगा। तो इस तरह से मैं लाइन के पॉइंट जो है इन्हें आगे बढ़ा लेता हूं, और यहां पे अब हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो बनाना है। तो यहां पे मैं ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो ड्रॉ कर लेता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बड़ी इजीली हम ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन यहां पे पैकेज टाइप का ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है, फिर भी मैं इसको इसी तरह से ड्रॉ कर देता हूं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अभी मैं जो ये डायग्राम है इसे जूम करके भी आपको दिखा दूंगा जिससे कि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां पे पॉजिटिव जो है ये हमारा आप देख पाएंगे ब्रिज रेक्टिफायर के इस पॉइंट से बाहर निकलेगा। तो यहां पे ये पॉजिटिव हमें मिल गया और ये पॉजिटिव जो है हमारा आगे बढ़ गया। जो निगेटिव है वो हमारा इस साइड से यहां से हम इस तरीके से निकाल लेंगे। यहां पे आप देख पाएंगे हम जो हमारी लाइन है उसे कट नहीं करेंगे, इस तरीके से हमने बाहर निकाल लिया है, ये हमारा निगेटिव है। तो यहां पे 310 या 320 वोल्ट हमें मिलता है जब हमारा 220 वोल्ट इनपुट में एसी होती है। तो यहां पे अब हम इन कैपेसिटर्स को ड्रॉ करेंगे। यहां पे ये दो कैपेसिटर आपस में सीरीज में लगे होते हैं, क्योंकि ये जो सर्किट है ये हाफ ब्रिज टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। तो यहां पे इस तरीके से हम दो कैपेसिटर जो कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हैं इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे इस तरीके से हमने दो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो कि 250 वोल्ट और 1000 माइक्रोफेरेड के हैं को ड्रॉ कर लिया। इनके पैरेलल में यानी दोनों ही कैपेसिटर के पैरेलल में एक एक रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम की लगी होती है। तो यहां पे इस तरीके से हमने रेजिस्टेंस भी लगा ली। अब हमारा स्विचिंग सेक्शन यहां से चालू होगा। आप देख पाएंगे सबसे पहले हम मॉस्फेट ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे दो मॉस्फेट लगे होते हैं। यहां पे अगर आपका चार्जर जो है वो 48 वोल्ट 12 एम्पीयर का है तो उसमें 33N60M2 टाइप के मॉस्फेट लगे होंगे। अगर आपका चार्जर जो है वो अगर 15 एम्पीयर का होगा तो वहां पे 55N60
M2 टाइप मॉस्फेट लगे होंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों मॉस्फेट जो है इन्हें ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पे ये मॉस्फेट हमारे एन चैनल मॉस्फेट है, तो यहाँ पे एक मॉस्फेट का सोर्स दूसरे के ड्रेन के साथ में जुड़ा है, और यहाँ पे पहला मॉस्फेट जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव के साथ तथा दूसरा मॉस्फेट जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर के निगेटिव के साथ जुड़ा है। यहाँ पे आपने देखा सीरीज में दो कैपेसिटर जो है वो बीच में ही जुड़े हैं। तो यहाँ पे इन पावर मॉस्फेट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक एक रेजिस्टेंस और एक एक टीवीएस डायोड जो है इनके गेट और सोर्स के साथ में जुड़ा होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम रेजिस्टेंस और टीवीएस डायोड जो है इन्हें जुड़ा हुआ मान लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने इसे ड्रॉ कर दिया है। दोनों ही मॉस्फेट के गेट जो है उनको हम D1 और D2 से डिनोट करेंगे, तथा जो हमारे दोनों मॉस्फेट के सेंटर टैप्ड पॉइंट है इस पॉइंट को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे D1 हम इसे लिख देते हैं और जो हमारा मॉस्फेट 2 है उसको D2 से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे ड्राइव जो है, ड्राइव वोल्टेज जब हम देंगे तभी ये मॉस्फेट स्विचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं कैमरे को जूम पोजिशन में करके आपको क्लियरली दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये आपस में जुड़े हैं। अब यहाँ पे हमारा जो सर्किट है उसमें अब हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे इंडक्टर ट्रांसफार्मर जो है फेराइट कोर वाला इस्तेमाल किया जाता है को अब हम इससे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी बाइंडिंग में एक सिरा जो है वो हमारे दोनों कैपेसिटर के सेंटर टैप्ड पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम सेंटर टैप्ड पॉइंट जो है यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं, और यहीं से हमारा एक वायर जो है ये हमारा निकलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से ये हमारी ट्रैक निकल रही है, और इस तरीके से मैंने ऊपर से इसे निकाला है जिससे कि आप जुड़ा हुआ ना समझे। और यहाँ पे अब हम ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग जो है प्राइमरी बाइंडिंग उसे बनाते हैं, फिर हम इसको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे ये आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी बाइंडिंग हम इस तरीके से बना लेते हैं। प्राइमरी बाइंडिंग का एक सिरा हमें इस तरीके से आगे निकाल लेना है, और इन दोनों के मध्य एक PF हमारा जोड़ा जाएगा जिसकी वैल्यू जो है 335J 400 वोल्ट होगी। तो इस तरीके से अब हमारी प्राइमरी बाइंडिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे दोनों मॉस्फेट के सेंटर टैप्ड पॉइंट के साथ में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारी प्राइमरी बाइंडिंग जो है आप देख पाएंगे। अब हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो आइसोलेटेड होता है। यहाँ पे इसमें कोर होती है फेराइट इंडक्टर की, आपको इस तरीके से मैं कोर जो है वो ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। इसके बाद हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने कोर जो है उसे ड्रॉ कर लिया है। अब ये हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग से पृथक है, यहाँ पे अब हम सेकेंडरी बाइंडिंग जो है वो बनाते हैं। तो सेकेंडरी बाइंडिंग में कई सारे लूप्स होते हैं। यहाँ पे हमने पहला लूप बना लिया है, ये हमारा मेन लूप है। इसके बाद ये हमारा दूसरा लूप है, ये भी हमारा मेन लूप है जिससे कि हमारी बैटरी को चार्जिंग के लिए करंट मिलता है। इसके बाद ये हमारा तीसरा लूप है जो कि हमारे सर्किट में लगी हुई बड़ी सी एक रिले जो है उसे ड्राइव करने के लिए वोल्टेज जो है वो बनाता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से अब हम जो मेन बाइंडिंग है इसमें जो कि हमारी बैटरी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होती है उनमें एक एक डुअल डायोड इस तरीके से शॉर्ट की डायोड जो है हाई एम्पियर के जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से एक साइड पे शॉर्ट की डायोड जोड़ा है, इसी तरीके से मेन बाइंडिंग जो है उसमें दूसरे लूप में भी एक शॉर्ट की डायोड इस तरीके से जोड़ लेंगे। ये डुअल डायोड है, ये पावर डायोड इनको कह सकते हैं। इनके जो आगे के सिरे हैं इनको हम इस तरीके से आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पे यहीं से हमारी बैटरी को पॉजिटिव जो है वो चार्जिंग के लिए जाता है। अब हम ये दोनों ही जो हमारी मेन बाइंडिंग है इनको आपस में इस तरीके से दूसरे सिरे जो है जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम इनके मध्य का जो बिंदु है इसे हम ग्राउंड यानी निगेटिव, बैटरी का निगेटिव मानेंगे। तो यहाँ पे बैटरी का निगेटिव जो है ये यहीं से जाएगा, और सर्किट में काफी सारे निगेटिव जो होंगे वो आपस में जुड़े होंगे। यहाँ पे सर्किट में जो हमारे डुअल डायोड जो है पावर डायोड जुड़े हैं इनमें दो दो रेजिस्टेंस 47 ओम 5 वाट की आप देखेंगे आपस में पैरलर में जुड़ी हैं, और इन रेजिस्टेंस को एक एक PF या दो दो PF के साथ में जोड़ा गया है। 104 के PF हैं। इस तरीके से दोनों ही जो हमारे शॉर्ट की पावर डायोड हैं इनमें इस तरीके से रेजिस्टेंस जो है पैरलर में जुड़ के और उनके आगे एक एक PF जो है या दो दो PF आपस में पैरलर में जोड़ के और इस तरीके से जोड़ दिए गए हैं। यहाँ पे इस तरीके से अब हमारा सर्किट जो है इतना कंप्लीट हुआ है। मैं ये रेजिस्टेंस और PF जो है आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे दो लगी हैं और इस तरफ दो लगी हैं, और इनके साथ सीरीज में दो दो PF यहाँ पे जोड़े गए हैं। तो दो दो रेजिस्टेंस और दो दो PF इस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब हमारी रिले के लिए जो वोल्टेज यहाँ पे हमारा सर्किट जो है वो प्रोड्यूस करता है रिले ऑन होने के लिए वो कैसे जाता है आप देखेंगे। एक और इसमें बाइंडिंग थी जिसको हम इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे आप देख पाएंगे एक डायोड मैंने आगे जोड़ा, और इसके आगे आप देख पाएंगे यहाँ पे 78012 एक लगी होती है। मैं अभी आपको सर्किट में दिखा दूंगा। और इस साइड ये निगेटिव, निगेटिव सभी निगेटिव कॉमन होंगे सर्किट में जितने भी निगेटिव होंगे, और यहाँ पे अब हम एक 78012 जो है यहाँ पे इस तरीके से जुड़ा हुआ मानेंगे। और ये जो है जो हमारा ये वाला लूप है ये जितना भी वोल्ट बनाएगा उससे ये
12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, रिले को 12 वोल्ट ही चाहिए ऑपरेट होने के लिए, ऑन होने के लिए। तो यहाँ पे ये 12 वोल्ट जो है ये प्रोड्यूस करेगी 78012। यहाँ पे ये इस तरीके से कनेक्ट होती है, आप देख पाएंगे ग्राउंड पिन है ये, और यहाँ पे ग्राउंड जो है ये नेगेटिव इस तरीके से हमने जोड़ ली। अब इसमें दोनों साइड में एक एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हम जोड़ेंगे, तो इस तरीके से हम एक एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर एक तरफ 470 माइक्रोफेरेड 35 वोल्ट और एक तरफ 470 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट जुड़ा हुआ देख पाएंगे। यहाँ पे आप सर्किट में देखेंगे ये 78012 है, और इसमें एक इस साइड पे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर और एक इस साइड पे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से अब हमें 12 वोल्ट जो है वो रिले को ऑन करने के लिए यहाँ से मिलता है। अब हम बैटरी का जो 48 वोल्ट है वो कहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो है यहाँ पे हमें 48 वोल्ट जो कि बैटरी के चार्जिंग के लिए है, यहाँ पे मैं इसे लिख भी देता हूँ, आप देख पाएंगे यहाँ पे बैटरी के चार्जिंग के लिए जो वोल्टेज है वो हमें यहीं पे मिलते हैं, और वो भी हमें दोनों लूप जो है और इन दोनों शॉर्ट की डायोड जो कि पावर शॉर्ट की डायोड है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इन डायोड से रेक्टिफाइड होके, चूंकि यहाँ पे एसी मिलती है हमको लेकिन डायोड जो लगे हैं उनसे रेक्टिफाइड होके हमें डीसी मिलती है। तो यहाँ पे एक इंडक्टर और जुड़ा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे सर्किट में दिखा देता हूँ, ये जो है फेराइट इंडक्टर है और यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ पे कैपेसिटर भी हम इसमें आगे जोड़ते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से हमने कैपेसिटर जोड़ा है, ये हमारा कैपेसिटर जो है इस तरीके से जुड़ा है और ये ग्राउंड यानी निगेटिव के साथ जुड़ा, सभी निगेटिव आपस में जुड़े हैं। यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू 470 माइक्रोफेरेड 100 वोल्ट है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हमारा फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, इस तरीके से हम चार्जिंग वाला जो पॉइंट है उसे आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा अब रिले में जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक रिले हमारी लगी है, रिले में तीन पॉइंट्स होते हैं और एक जो मेन पॉइंट होता है आप देख पाएंगे इस तरीके से हम इसे ड्रॉ करते हैं, यही हमारा स्विच करता है दो पॉइंट्स के बीच में। और जब ये एचवी वाले पॉइंट के साथ में कनेक्ट होगा ऐसी स्थिति में जो चार्जिंग है वो बैटरी में जाने लगेगी। तो यहाँ पे रिले को ऑन करने के लिए 12 वोल्ट हमें 78012 से मिलता है और जो ग्राउंड है रिले में ग्राउंड जाएगा, 12 वोल्ट तो पहुंच गया, ग्राउंड हमारा जो है इसमें एमसीयू द्वारा भेजा जाता है तभी रिले ऑन होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से पॉजिटिव हम डायरेक्ट दे देते हैं लेकिन नेगेटिव जो है वो हमारा एमसीयू के द्वारा जाएगा तो तभी हमारी रिले जो है वो ऑन होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने सर्किट जो है यहाँ तक ड्रॉ कर लिया है और अब हम यहाँ पे जो हमारी बैटरी है उसके कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से एक यहाँ पे डायोड और एक रेजिस्टेंस लगी होती है जो कि हमारी आगे बढ़ जाती है, आगे मैं इसको बताऊंगा अगर जरूरत समझूंगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो पॉइंट है ये हमारा डायरेक्ट बैटरी के साथ में कनेक्ट होता है। यहाँ पे मैं इस तरीके से एक फ्यूज बना लेता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे सर्किट में एक फ्यूज है और बैटरी के पॉजिटिव के साथ में ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा। मैं आपको सर्किट में दिखा देता हूँ, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव जो है इस फ्यूज के द्वारा जो है बैटरी पे पहुंचता है। तो इस तरीके से अब हमारा सर्किट जो है उसमें अब हम नेक्स्ट सेक्शन जो है उसे एक्सप्लेन करते हैं जो कि हमारा ड्राइव सेक्शन है। तो यहाँ पे ड्राइव सेक्शन में आप पीसीबी में देख पाएंगे दो हमारे ट्रांसफार्मर, ये आप देख पाएंगे ये ट्रांसफार्मर और एक आईसी यहाँ पे ये जुड़ी हुई है और ये आपस में कैसे जुड़े हैं और कैसे ड्राइव करते हैं मैं आपको इसको भी सर्किट द्वारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हम सबसे पहले दो ट्रांसफार्मर जो है ये बनाते हैं, ये छोटे से ट्रांसफार्मर जो कि फेराइट कोर वाले हैं क्योंकि यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी में स्विचिंग होती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से हमने फेराइट ट्रांसफार्मर के एक साइड की बाइंडिंग जो है वो बना ली है। अब हम इसे लैमिनेटेड कोर द्वारा पृथक कर देंगे। अब हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग जो है वो बनेगी यहाँ पे इस तरीके से, सेकेंडरी है और यहाँ पे दोनों ही ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी हमने ड्रॉ कर ली है। तो इस तरीके से हमारी बाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर के अंदर की होती है और इसके बाद इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें कंपोनेंट जो है यहाँ पे लगे हैं। तो दोनों ही ट्रांसफार्मर में ड्राइव सेक्शन में कुछ कंपोनेंट्स लगे हैं जिनको हम ड्रॉ करेंगे और वो ड्राइव D1 और D2 के साथ में दोनों ही जो हमारे मॉस्फेट हैं उनके गेट के साथ में किस तरीके से कनेक्ट होंगे आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे एक जेनर डायोड लगा है 3.3 वोल्ट का और इसके पैरेलल में 3.3 ओम की एक रेजिस्टेंस जो है इस तरीके से लगी है। ऐसे ही हमारे दूसरे जो ट्रांसफार्मर है ड्राइव ट्रांसफार्मर, इसमें भी 3.3 वोल्ट का जेनर डायोड साथ ही उसके पैरेलल में 3.3 ओम की रेजिस्टेंस जो है वो लगी हुई है। तो यहाँ पे इन ड्राइव ट्रांसफार्मर के इसी साइड पे दोनों ही ट्रांसफार्मर में एक एक रेजिस्टेंस जो है इस तरीके से भी लगी हुई है जिसकी वैल्यू 5.1 किलो ओम है। यहाँ पे आगे हमारे जेनर डायोड के आगे दोनों साइड पे एक एक रेजिस्टेंस और लगी है जो कि 4.6 ओम की है। तो यहाँ पे जो हमारे दोनों मॉस्फेट हैं उनके ड्राइव हमें यहीं से मिलेंगे। अब ड्राइव कैसे मिलेंगे ये देख लेते हैं। तो D1 और D2 के पॉइंट हमें कहाँ पे जोड़ने हैं ये हम पहले समझेंगे। तो D1 हमें यहाँ पे जोड़ना है, ये हमारा D1 हो गया और D2 हमारा यहाँ पे जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो सेंटर टैप्ड पॉइंट है उसे और एक साइड का जो सोर्स है इसे हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दोनों ही मॉस्फेट के सोर्स जो है ये हमारे किस तरीके से जुड़ेंगे, ए और इसे हम बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे ए और बी हमारे इस तरीके से
यहीं पे ड्राइव ट्रांसफार्मर के पॉइंट्स के साथ जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से यहीं से हमारी ड्राइव जो है वो पहुंचती है मॉस्फेट को स्विचिंग होने के लिए। अब इन ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करने के लिए क्या तरीका होता है, आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे दोनों ही ट्रांसफार्मर के साथ में एक एक पीएफ जो है इस तरीके से जुड़ा है, साथ ही यहां पे एक एक पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है इनके साथ में जुड़ा है। पीएनपी ट्रांजिस्टर पे जो मेंशन है वो 327 है और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और यहां पे पीएनपी ट्रांजिस्टर के जो बेस हैं उन्हें हम अब बनाते हैं। तो बेस जो है ये हमारा है और इसे हम इस तरीके से आगे बढ़ा लेते हैं। दोनों ही बेस जो है वो हमारे इसके अपोजिट साइड में एक एक एनपीएन ट्रांजिस्टर जुड़ेगा। यहां पे पीएनपी ट्रांजिस्टर हमने बना लिए हैं और अब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है उसे भी ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे इस तरीके का ड्राइव जो है ये आपने इन्वर्टर में भी देखा होगा, इन्वर्टर के जो सर्किट होते हैं उनमें इसी तरह का ड्राइव होता है, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का वहां पे भी प्रयोग किया जाता है। और यहां पे अब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है इसमें 337 का है और यहां पे इस तरीके से हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर बना लिए हैं और यहां पे इनको हम इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। आप देख पाएंगे एक एनपीएन दूसरे पीएनपी के साथ किस तरीके से कनेक्ट होगा। यहां पे इस तरीके से हमने पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है इन्हें आपस में कनेक्ट कर लिया है। अब दोनों ही ट्रांजिस्टर जो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर है इनके बेस जो है इस तरीके से हम आपस में जोड़ देंगे। अब हम दोनों ही एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है उनके कलेक्टर जो है उन्हें आपस में इस तरीके से जोड़ के यहां बाहर निकाल लेते हैं और यहां पे अब हम एक डायोड द्वारा इस पे 12 वोल्ट के साथ में इसको जोड़ देंगे। तो यहां पे ये डायोड के द्वारा 12 वोल्ट के साथ में जुड़ा हुआ है। तो अब हम जो हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर है उनके कलेक्टर जो है उसे निगेटिव के साथ में जोड़ेंगे। इस तरीके से हम पूरे सर्किट में जो निगेटिव है वो कॉमन होगा और ये निगेटिव, इस साइड भी निगेटिव, इधर निगेटिव, ये सभी निगेटिव आपस में जुड़े होंगे। तो इस तरीके से हमने 12 वोल्ट और निगेटिव जो है इस तरीके से यहाँ पे जोड़ दिया है। अब हम ड्राइव आईसी 3525 को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जो कि ड्राइव आईसी है और इसकी पिन नंबर 11 और 12 दोनों ही पीएनपी और एनपीएन के बेस पॉइंट जो आपस में जुड़े हैं पे जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से मैं एक पॉइंट बना लेता हूँ, दोनों साइड पे एक एक पॉइंट ये बना लिया। एक हमारा पिन नंबर 11 और दूसरा हमारा पिन नंबर 14 के साथ में जुड़ेगा जो कि हमारी आईसी के पिन नंबर 11 और 14 है। तो यहाँ पे ड्राइव आईसी 3525 की ये 11 और 14 पिन है जो कि हमारे ड्राइवर जो है इसका, ये पूरा ड्राइवर हम मान के चलते हैं, ड्राइवर को ड्राइव करती है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा ड्राइवर जो है इस 3525 द्वारा ड्राइव होता है। तो यहाँ पे हमने ये सर्किट जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। इसमें काफी सारे और कंपोनेंट होते हैं जिनको मैं ड्राइव सेक्शन जो है पूरा ड्रॉ नहीं करूंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे आईसी की 15 और 13 पिन जो है आपस में कनेक्ट होती है और यहीं पे हमारा जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो जाती है। तो यहाँ पे ये स्विच से कनेक्टेड है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारा 3525 ड्राइव आईसी है और ये हमारा एक थर्मल कट ऑफ स्विच है। ये वास्तव में एक स्विच है, जैसा कि आपने देखा हो थर्मल कट ऑफ रिले, उसी तरह का ये एक स्विच है जो कि जब हमारी हीट सिंक हीट होती है ऐसी स्थिति में ये हमारे 3525 में सप्लाई देना बंद कर देता है, जिससे कि ड्राइव सेक्शन जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है, पूरा सिस्टम स्विच ऑफ हो जाता है और ड्राइव नहीं होती है, हमें आउटपुट में जो चार्जिंग है वो नहीं मिलती है। तो अब हम यहां पे 12 वोल्ट और 10 वोल्ट वाले सेक्शन जो है उन्हें समझेंगे। तो 12 वोल्ट वाला सेक्शन जो है वो हमारे 3525 आईसी, ये 3525 आईसी को ड्राइव करने के लिए जरूरत पड़ती है और 10 वोल्ट से 5 वोल्ट बना के एमसीयू को देते हैं। तो चलिए ये सेक्शन भी हम समझ लेते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमारी बैटरी का जो पॉजिटिव है यानी 48 वोल्ट, चूंकि चार बैटरी सीरीज में लगी है, यहीं से एक डायोड लगा के हम ट्रैक को आगे बढ़ाते हैं। इस तरीके से हम डायोड लगा के ट्रैक जो है इसे आगे बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे हमारी दो रेजिस्टेंस लगेंगी। चलिए मैं पहले ड्रॉ करता हूँ एक लाइन, आप देख पाएंगे, और इस साइड पे मैं एक रेजिस्टेंस जो है इसे ड्रॉ करता हूँ। ये रेजिस्टेंस जो है 1 किलो ओम और 5 वॉट की है, 5 या 6 वॉट। साथ ही हम इस साइड भी एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे 1 किलो ओम की, 5 या 6 वॉट की ये रेजिस्टेंसें हैं। अब इनके आगे हमें जेनर डायोड लगाना है। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये दोनों रेजिस्टेंस हैं जो कि 5 या 6 वॉट 1 किलो ओम की हो सकती हैं और इनके आगे अब हमें जेनर डायोड लगाना है। जैसे 12 वोल्ट अगर हमें यहाँ पे चाहिए तो हम 12 वोल्ट का जेनर डायोड लगा के और इसे ग्राउंड कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड यानी निगेटिव है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक जेनर डायोड 10 वोल्ट का हमने लगाया और इसे भी ग्राउंड कर दिया। तो यहाँ पे हमें 10 वोल्ट मिल जाएगा, इस साइड 12 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिलता है, 12 वोल्ट का जेनर डायोड है, और यहाँ पे 10 वोल्ट मिलता है, 10 वोल्ट का जेनर डायोड है। तो यहाँ पे अब हमें यहाँ पे वोल्टेज जो है 12 वोल्ट रेगुलेटेड वोल्टेज चाहिए, तो अब यहाँ पे हमें एक ड्राइव सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम एक ड्राइव सेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग करेंगे। पहले हम पीएनपी ट्रांजिस्टर लगाएंगे, यहाँ पे 327 नंबर पीएनपी ट्रांजिस्टर हमारा लगेगा और इस तरीके से हम ट्रांजिस्टर जो है ये ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमने इस तरीके से लगाई है और ये हमारा इसका बेस हुआ। और अब इसके आगे हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ पे जोड़ेंगे। आप देख पाएंगे इस तरीके से हम पहले एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और यहाँ पे हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है उसे जोड़ देंगे। तो
तो इस तरीके से हमने एक साइड एनपीएन ट्रांजिस्टर जोड़ लिया, इसका भी हम बेस बना देते हैं। और इस तरीके से अब हम यहाँ पे इस एनपीएन ट्रांजिस्टर को जो इमिटर है इसको ग्राउंड कर देते हैं। इस तरीके से हमने ग्राउंड कर दिया। अब यहाँ पे हमारा ये ग्राउंड जो है सभी का ग्राउंड कॉमन है, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। और यहाँ पे बेस जो है बेस को हम इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के इसको भी हम ग्राउंड कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर एक और रेजिस्टेंस हम यहाँ पे बनाएंगे। आप देख पाएंगे इस तरीके से यहाँ पे एक 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस और इसके आगे एक जेनर डायोड लगा के, और इस तरीके से हम जो 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है उसके साथ में जोड़ेंगे, जहाँ से हमें 48 वोल्ट के साथ में हमारा कनेक्ट है। यहाँ पे इस तरीके से हमने इसे जोड़ दिया है। तो सर्किट जो है यहाँ पे इतना हमारा कंप्लीट हुआ। इस साइड पे भी एक रेजिस्टेंस जुड़ेगी जो कि 100 किलो ओम की होगी, और इसको हम पीएनपी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमने कलेक्टर के साथ जोड़ दिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये हमारा स्विच के साथ में जुड़ेगा। स्विच जो है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, दो वायर है, एक हमारा 3525 आईसी के साथ में कनेक्ट है, एक वायर हमारा यहाँ पे जो हमें 12 वोल्ट मिलता है उसके साथ में कनेक्ट है। अब हम 10 वोल्ट जो हमें मिलेगा उसको हम 5 वोल्ट में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे जेनरेटर डायोड लगा के हमने 10 वोल्ट तो बना लिया, अब इसको रेगुलेटेड 5 वोल्ट में हमें कन्वर्ट करने के लिए 78L05 एक छोटा सा ट्रांजिस्टर जो है 7805 की तरह ही होता है को यहाँ पे कनेक्ट करना है। इस तरीके से हमने 7805 या 78L05 मान लिया। यहाँ पे इस तरीके से हमें आउटपुट में यहाँ पे 5 वोल्ट जो है ये मिल जाएगा MCU के लिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे प्लस 5 वोल्ट है, ये ग्राउंड है IC का, और इस तरीके से हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे भी हम एक कैपेसिटर जो है इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें 5 वोल्ट MCU के लिए मिलेगा। तो ये सेक्शन जो है 12 वोल्ट और 10 वोल्ट का हमारा बन गया है। 12 वोल्ट इस तरह से हमारे 3525 IC के लिए, और 5 वोल्ट जो है हमारा MCU के लिए हमें इस सेक्शन द्वारा मिल जाता है। अब हम MCU को देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको सर्किट में MCU दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा सर्किट बोर्ड है जिसमें माइक्रो कंट्रोल चिप लगी है। यहाँ पे AC इनपुट होता है जो कि ऑप्टो कपलर द्वारा, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ऑप्टो कपलर लगा है जिसके द्वारा MCU को ये पता चलता है कि AC इनपुट हो गई है, और ये अपना जो ड्राइव सेक्शन है उसको ऑपरेट करता है। बाकी सारे ऑपरेशन यहीं से ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ से फैन भी ऑपरेट होता है। तो फैन के लिए क्या सर्किट होगा इसका वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे फैन के ये वायर्स हैं जो कि यहीं पे कनेक्ट हैं, और हम इसका सर्किट डायग्राम जो है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम MCU ड्रॉ करते हैं। MCU को ऑपरेट होने के लिए 5 वोल्ट चाहिए जो कि हमें 7805 या 78L05 से मिलता है जो कि MCU में ही माउंट होती है। तो यहाँ पे ये हमारा MCU हो गया, और इसमें हमें 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। तो यहाँ पे हम 5 वोल्ट की सप्लाई इस तरीके से जाती हुई देख पाएंगे, और यहाँ पे ये 5 वोल्ट हमारी पहुँच जाती है जिससे कि MCU को कंट्रोल किया जाता है, MCU ऑपरेट होता है। तो अब हम फैन को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, साथ ही इसमें लगी हुई रिले को भी हमें कंट्रोल करना होता है। ये रिले जो है इसे भी MCU द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो चलिए इसका सर्किट डायग्राम जो है पहले हम देखते हैं कि रिले किस तरीके से ऑपरेट होती है। तो यहाँ पे एक पिन हम मान लेते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी है, और इस रेजिस्टेंस के आगे एक हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो लगा हुआ है। ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, और इस तरीके से हमने NPN ट्रांजिस्टर जो है ड्रॉ कर लिया, तथा उसका इमिटर जो है उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लिया। इस तरीके से कलेक्टर जो है यहाँ पे हमारे इस रिले के कॉइल के साथ कनेक्ट होगा जिससे कि रिले ऑन ऑफ होगी। तो यहाँ पे ये रिले वाला सेक्शन हो गया। इस तरीके से यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगी होती है जो कि ग्राउंड के साथ में हमारी बेस को कनेक्ट करती है। चलिए अब हम यहाँ पे फैन के कनेक्शन जो है उसे देखते हैं। तो फैन के कनेक्शन के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी है, और रेजिस्टेंस के आगे एक NPN ट्रांजिस्टर यहाँ भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख पाएंगे NPN ट्रांजिस्टर का इमिटर जो है वो हमारा ग्राउंड के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, जैसा कि पहले मैंने रिले वाले सेक्शन को समझाया था। और इसका जो कलेक्टर है, कलेक्टर के आगे एक रेजिस्टेंस लग जाती है, इसमें लगे हुए दूसरे PNP ट्रांजिस्टर के बेस के साथ में कनेक्ट होगी। यहाँ पे एक PNP ट्रांजिस्टर है जिसके बेस के साथ में हम ये रेजिस्टेंस जो है इसे कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो PNP ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर जो है वो हमारे फैन के साथ में कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे इसका इमिटर जो है आप देख पाएंगे ये 12 वोल्ट के साथ में कनेक्ट है, 12 वोल्ट पॉजिटिव। तो यहाँ पे 12 वोल्ट पॉजिटिव पहुँचता है, और इस तरीके से यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगी है जो कि हमारी इस तरीके से बेस के साथ में कनेक्ट है PNP ट्रांजिस्टर के। और यहाँ पे जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर है इसमें भी एक रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट है, और ये हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाता है। यहीं से फैन का निगेटिव और PNP ट्रांजिस्टर से हमें पॉजिटिव मिलता है। तो इस तरीके से फैन के कनेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे आपने पूरा सर्किट डायग्राम जो है बड़ी आसानी से समझ लिया होगा। और यहाँ पे जो ई रिक्शा बैटरी चार्जर होता है इसका सर्किट डायग्राम जो है इसको सेक्शन वाइज समझने के बाद आपको निश्चित ही ई रिक्शा बैटरी चार्जर की रिपेयरिंग में बड़ी ही आसानी रहेगी। तो यहाँ पे इस सर्किट से संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है, या आपको ई रिक्शा बैटरी चार्जर के सर्किट डायग्राम में कोई चीज समझ में नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।